नमस्कार नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सावन की, आज हम बात करेंगे महाकाल की, आज हम बात करेंगे शिवा की, है ना। आज हम बात करेंगे 12 ज्योतिर्लिंग की। कैसे सावन के महीने में इतनी छोटी छोटी चीजें करके आप अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही है, जिनको जॉब नहीं मिल रही है ना, जिनके घर में प्रॉब्लम है, जो लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं, रिलेशन को कुछ नहीं समझते, जिनकी भी लाइफ में पेंडिंग कर्मा है किसी भी घर का, आज हम 12 राशियों के बारे में मैं आपको ज्योतिर्लिंग बताऊंगी। सावन के महीने में अगर आप इन ज्योतिर्लिंग पे विजिट करेंगे, और अगर इस सावन के महीने में पॉसिबल नहीं होता तो अपने बर्थडे के पास करेंगे, अपनी एनिवर्सरी के पास करेंगे, साल में एक बार जरूर करेंगे, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। ये जो आजकल के इतने ज्यादा चेंजेस है, रिचुअल्स का ना मानना है ना, उनको ना फॉलो करना, अपनी लाइफ में रहना, लोगों के साथ शेयर नहीं करना, लोगों के साथ खुशियां नहीं बांटना, तो ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। ये बहुत बड़ी छोटी सी रेमेडी है एस्ट्रोलॉजी में। अगर हमें मंदिर जाके हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं, हमारे बच्चों की ग्रोथ बढ़ती है, तो मुझे नहीं लगता कि इस छोटी सी चीज को करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स जादू टोना करते हैं, ये जादू टोना नहीं है, ये आपके फेथ की बात है। क्योंकि लाइफ में जब आप स्टक होते हो, तब आप भगवान के पास जाते हो, तब आपने बोलते हो कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, बोलते हो ना आप जाके। तो मंदिर में जाना, भगवान को पुष्प ऑफर करना, या तो किसी अपने घर से दूर, कम से कम 100 से 200 किलोमीटर दूर अपने घर से मंदिर में जाना, वो ही आपको एक बड़ा चेंज ला के देगा। घर के पास वाले मंदिर में भी आपको चेंज मिलेगा, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कुछ पेंडिंग करना है, उसके लिए आपको तो वहां जाना ही पड़ेगा। तो ये है 12 ज्योतिर्लिंग की कहानी जो आज मैं बताऊंगी अपने चैनल पे। बिकॉज सावन कल से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई से, और आजकल जो इतने प्रॉब्लम है लोगों को, मैं रियली कुछ ऐसी वीडियो हमेशा बनाने की कोशिश करती हूँ जो लोगों के काम आए। और बहुत सारे लोग इन चीजों के लिए जो लोगों को तंग करके पैसे लेते हैं, और उन लोगों ने हम एस्ट्रोलॉजर्स का इमेज खराब करके रखा है। तो मेरा एक मोटो तो ये भी है कि मैं इसको तो ठीक करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि पैसों से ही सब कुछ नहीं मिलता है ना। सो आज हम बात करते हैं सावन की, आज हम बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंग की। जहाँ आप जाएंगे तो आपके उस पर्टिकुलर हाउस में अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। साल में एक बार जाइए, जैसे मैंने बताया सावन के महीने में जाइए, है ना, मंडे के दिन जाइए, आपके बर्थडे के पास जाइए, आपके एनिवर्सरी के पास जाइए, अपनी फैमिली के साथ जाएंगे तो बहुत अच्छा है। जिस पर्टिकुलर पर्सन को प्रॉब्लम है वो जरूर जाए। तो बात करते हैं एरीज लगन की। अगर एरीज लगन में, अगर आपका एरीज लगन है या अर्धा उसमें आ रहा है, अर्धा का लगन बन रहा है या आत्मकार का उसमें आपका बन रहा है, तो अगर आप रामेश्वरम टेम्पल जाएंगे है ना, तो आपको लाइफ में नेम पे पोजीशन ये देखने को मिलेगी। क्योंकि जब हम रामेश्वरम मंदिर जाते हैं तो हमारी ईगो टूटती है, क्योंकि सन वहाँ पे उछला होता है, और जिसकी वजह से हमें अपने ऑफिस में या करियर में ईगो से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हम झुकना नहीं चाहते। तो जब आप लगातार रामेश्वरम जाओगे तो आप देखोगे कि आपकी आपकी बॉडी में एक चेंज है। या अगर आपको लगता है कि आपका सन नीच का है, आपका सन अफ्लिक्टेड है, फादर से नहीं बनती, या फादर नहीं है आपकी लाइफ में गाइडेंस करने के लिए, या कोई भी इशू है सन से रिलेटेड, जैसे मैंने बताया आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको नेम टेम का इश्यू है, या ईगो बहुत है ना, तो अगर आप रामेश्वरम टेम्पल जाएंगे तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी। ये पेंडिंग कर्मा का पार्ट है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पेंडिंग कर्मा पार्ट, जिसका पहला घर एफ्लिक्टेड है किसी भी खराब प्लेनेट से, जो पहले घर में खराब होते हैं, अगर वो रामेश्वरम टेम्पल जाएंगे तो उनकी ग्रोथ होगी और उनके बच्चों की भी ग्रोथ होगी। ये क्योंकि पहला घर आत्मा को दर्शाता है, पहला घर हम खुद है, तो जब हम अच्छे होंगे तो हमारी फैमिली भी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप एरीज को देख सकते हो, अगर ये लगन में हो या ये आपके चार्ट में कहीं भी हो एक नंबर पर। तो अगर आपको ऐसे रिलेटेड इशू आ रहे हैं तो आप उनको इस तरह से जाके ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस वालों की। टॉरस वाले जहाँ कहते हैं मून उचका होता है, ये लोग इमोशनल होते हैं है ना, इनको अगर आपको लगता है कि रिलेशनशिप इशू है, पैसे नहीं बच रहे, पैसे खर्च हो रहे हैं बेवजह,
है ना, और बहुत ज्यादा काम करने के बाद भी पैसे नहीं जोड़ पा रहे हैं, है ना। सस्टेनेबिलिटी इश्यू है, मतलब स्टेबिलिटी इश्यू है लाइफ में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको फेम का भी इश्यू हो सकता है, क्योंकि पहला घर दूसरे से लिंक होता है। तो आप सोमनाथ जी जाएंगे जो कि गुजरात में, तो आपका घर परिवार अच्छा होगा, आपको दिमाग में शांति मिलेगी, पैसे भी जुड़ेंगे, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ठीक होगी और फेम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी ठीक होगी। अब हम 3 नंबर मिथुन राशि की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में कम्युनिकेशन इश्यू है, वो अपनी चीज बता नहीं पाते, है ना, या आपको लगता है कि आपकी मदर बहुत बीमार रहती है, या फादर बेड पे है, बेड रिडन है, या आपको लगता है कि आपका पहले बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम है ना, या मैं ये बोलूंगी कि आपके घर में कोई स्पेशल चाइल्ड है जो बोल नहीं पा रहा 8-9-10 साल का, जिसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है। अगर वो नागेश्वर जी जाएंगे जो गुजरात द्वारका में है, तो आपको ये प्रॉब्लम काफी कम होने की दिखेगी। देखो मैं ये नहीं बोल रही कि आप मंदिर में जाओगे तो कोई जादू हो जाओ, कोई जादू नहीं होगा। आप जब मंदिर में जाओगे तो आपको ऐसे वेज मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बोला आपके बेटे की ग्रोथ होगी, तो हो सकता है आपके बेटे को जॉब मिल जाए। वो अप्लाई तो कर रहा था पर जॉब नहीं मिल रही थी। आपकी मदर की अगर हेल्थ इश्यू हो रहे हो तो हो सकता है अच्छा डॉक्टर मिल जाए। अगर आपके फादर बेड रिडन है तो हो सकता है आप उनकी उनको ऐसा फील आए कि नहीं अब थोड़ा सा मैं वॉक करता हूँ, है ना, या मैं अपने ही अपनी चीजों की टेक केयर करता हूँ, है ना। तो और जिनके भी स्पेशल चाइल्ड है वो जरूर जुड़े, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको ऐसे थेरेपिस्ट और ऐसे लोगों से मिलना हो सकता है कि वो ऐसी चीजें आपको आयुर्वेद के हिसाब से या फिजियोथेरेपी में ऐसे दे कि वो बच्चे एक्सप्रेस करना शुरू करें। इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वाले जो आप ये बोलेंगे कि घर का सुख, जिनके पास घर का सुख नहीं है, जो अपने घर को सेल परचेज करने में प्रॉब्लम है, जिनकी अपनी माओ से नहीं बनती, जो हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं और रिलेशनशिप भाव नहीं देते, है ना, और ये कह सकते हैं कि जिनके पेरेंट्स के साथ बनती नहीं है, जो हमेशा ना पैसा 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 लाइफ में करते हैं, ये इस तरह के लोग। तो जब आप ओंकारेश्वर मंदिर जाएंगे, ज्योतिर्लिंग जो एमपी में मध्य प्रदेश में, तो आपके थॉट बदलेंगे, है ना, और आपको ये इंसाइट्स मिलेंगे कि आपको क्या करना है। अगर आपकी मदर की हेल्थ इश्यू है तो वो भी ठीक हो जाएंगे। और ऐसे होता है, जो भी लोग भगवान में बिलीव करते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये चीजें होती है, आप जो सोचोगे ना वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हमें लड़ना ही है, तो आप हमेशा लड़ोगे। जो सोच आप जाके भगवान के सामने रखोगे वो सोच पूरी होती है, लेकिन अंदर से फील करना भी होता है। बहुत सारे लोग जो रेमेडी करने के लिए हमारे पास आते हैं, और जब हमें बोलते हैं कि आपको इतना दान देना, तो वो कहते हैं कितना दान देना है, तो क्योंकि आप भगवान के सामने उनके चरणों में दे रहे हो या आप गरीबों को खिला रहे हो, तो आप किसी की ब्लेसिंग ले रहे हो, आप हमें नहीं दे रहे, आप अपने लिए ही एक पुण्य अर्जित कर रहे हो। तो जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सोना चांदी मिलेगा, वो तो जो आप कर्म करोगे वो आपको मिलेगा। अब बात करते हैं 5 नंबर लियो राशि की, है ना। 5 नंबर जो हमारा नेम फेम का है, हमारा प्रमोशन का है, हमारा बच्चों का है, तो आप देखोगे कि अगर आपको पावर की प्रॉब्लम है, आपको पोजीशन नहीं मिलती, आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन पोजीशन नहीं मिलती, है ना, आपके बच्चे नहीं हो रहे, या आप कहोगे कि आपको नई जॉब नहीं मिल रही, या जॉब में बहुत स्ट्रगल है, क्योंकि 5वां घर पूर्व पुण्य भी है ना। तो अगर आपके 5वें घर में मैलेफिक प्लेनेट है, आपके 5वें घर में आपके बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे वो है तो सुनते नहीं है, आपके पास जिद्दी है आपके बच्चे, है ना, मानते नहीं है आपके बच्चे, कोई भी चीज होने में बहुत दिक्कतें आती है, अचीवमेंट नहीं है लाइफ में, बेबी ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप जाएंगे वैद्यनाथ। वैद्यनाथ जो झारखंड में ज्योतिर्लिंग है, अगर आप वहां जाएंगे तो ये चीजें ठीक होती है, हो सकता है अच्छा डॉक्टर मिल जाए, हो सकता है आपके बच्चे के लिए अच्छा टीचर मिल जाए, है ना, हो सकता है आपके पास जॉब ऑफर आ जाए। तो इस तरह से आप इसका देख सकते हैं। अब वर्गो वाले, है ना, वर्गो वालों को अगर लगता है कि बहुत ज्यादा, वर्गो वालों को लगता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा साबित करना पड़ता है अपने बच्चों से कोई बात मनवाने के लिए, बच्चे बहुत एडमेंट हो रहे हैं, है ना, बहुत ज्यादा, अगर बच्चे आपके बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, सुन नहीं रहे, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, स्टबर्न हैं, वो चूज नहीं कर पा रहे कि उन्हें क्या करना है, वो अपना लाइफ का इनिशिएटिव ही नहीं ले पा रहे, मतलब वो सोचे ही जा रहे हैं क्या करना है क्या करना है, दे आर वेरी कंफ्यूज। तो आप मल्लिका अर्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में ज्योतिर्लिंग है, अगर वहां उन बच्चों को ले जाएंगे तो आपको चेंज मिल जाएगा।
आज हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। अगर आपको लगता है आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही, घर में ना हमेशा बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं, लगातार डेथ हो रही है या डेथ लाइक सिचुएशन है घर में, बहुत ना बर्डन फील होता है रिलेशन में, मैरिज भी ज्यादा नहीं चल रही, मनी बिजनेस ये सब अगर आपको प्रॉब्लम लगती है, तो अगर आप उज्जैन जाएंगे महाकाल वहां पूजा कराएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आगे अगर स्कॉर्पियो की, जो कि हमारे ससुराल का है, हमारे मैरिज का है, इन लॉज का है। आपने देखा है बहुत सारे घरों में इन लॉज से बनती नहीं है, इंश्योरेंस से रिलेटेड जब कोई मर जाता है तो वो मिलने में प्रॉब्लम आती है, इनहेरिटेंस की प्रॉब्लम है, भाइयों में बहुत झगड़ा है ना, इन लॉज के साथ नहीं बन रही, घर में बहुत ज्यादा गाली गलौज मारपीट है, और ऐसा देखा गया है कि बहुत लड़कियां शादी के बाद मायके में चली जाती है ना। तो अगर आप गिरेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, जो कि बॉम्बे में है औरंगाबाद में, तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिरिदेश्वर मंदिर जाएंगे तो घर आएंगे तो शास्त्री बन जाएगी, ऐसा हो सकता है कि आपके हस्बैंड की जॉब की ट्रांसफर हो जाए, ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो जाए, आपको दूसरे शहर जाना पड़े, तो जब आप दूरी बनाएंगे तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, होंगे तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। बात करेंगे नौवीं राशि सेजिटेरियस की, अगर आपको लग रहा है कि नॉलेज नहीं ले पा रहे, बहुत सारे लोग हैं समझ नहीं आ रहा इसको फॉलो करेंगे है ना, अगर आपको लगता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, तो आप अगर काशी विश्वनाथ जाएंगे वहां जाके सिर्फ दर्शन भी कर लेंगे, तब भी आपको ऐसे गुरु मिल सकते हैं, तब भी आपको अगर माँ पार्वती को आप ब्लेसिंग्स लेंगे है ना, उनके सामने हाथ जोड़ेंगे अपने थॉट देंगे, तो आपकी मैरिज और लॉन्ग लाइफ सेगी। सिर्फ काशी जाने से ही इतनी छोटी सी, सिर्फ दर्शन मात्र करने से ही इतनी बड़ी चीज आपकी पूरी हो सकती है, तो ये कोई रिमेडी नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे जो ब्लेस्ड टेम्पल्स है, अगर वहां पे जाके मत्था टेको, वहां पे जाके हाथ जोड़ो है ना, अपनी गलतियों को मानो, तो आपको चीजें मिलेंगी, क्योंकि आज जमाना बदल गया है, हम अपने बच्चों से वो चीजें कराते ही नहीं है, हमें अकेले रहना है, हमें किसी को दिखाना नहीं है, सबको ऐसा लगता है कि वही किसी की प्रॉपर्टी है, पैसे खाना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच है, कोई जबरदस्ती किसी अकाउंट से थोड़ी पैसा निकाल सकते जब तक आप चेक कार्ड कर होता है ऐसा, दिस इज ऑल योर थॉट, जो आप अपने थॉट में दोगे वही होता है। मैं बात करते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की, अगर लगन में कैप्रिकॉर्न आ रहा है ना, और कहीं पे भी आ रहा है आपकी कुंडली के 12 घर में, और अगर आपको लगता है कि आपको सक्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थॉट आपके स्टक हो चुके हैं, तो अगर आप भीम शंकर टेम्पल जाएंगे महाराष्ट्र में, भीमा शंकर महाराष्ट्र में ये टेम्पल है ज्योतिर्लिंग, अगर वहां दर्शन करेंगे तो विद इन 43 डेज आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, साल में एक बार सावन में अपने बर्थडे के पास, और 3-4 सालों में एक बार अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे एक्वेरियस राशि वालों की, जो लाभ का घर है ना, अगर इनको करियर में प्रॉब्लम है, रेगुलर इनकम में प्रॉब्लम है, सोशल सर्कल नहीं बनता, स्पिरिचुअल ग्रोथ में प्रॉब्लम है, तो केदारनाथ जी जाओ, केदारनाथ जी जाते हैं, वो केतु बेस्ड टेम्पल है, वहां की एनर्जी इतनी है, आप जब वहां से वापस आते हो तो आपका थॉट ही चेंज हो गया, इतनी ज्यादा हाई लेवल की एनर्जी है वहां, तो एक छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग में जाके इतनी ज्यादा ब्लेसिंग्स अगर मिलती है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये करने में किसी को प्रॉब्लम आनी चाहिए, तो जरूर करिए। अब हम पाइसिस की बात करते हैं, अगर पाइसिस वाले को लगता है कि उनके बहुत ज्यादा दुश्मन है, ऑफिस में पीछे पड़े रहते हैं, चीटिंग करते हैं उनके साथ, उनके घर में हेल्थ इशू है, या फिर आपको लगता है आपके बच्चों को या आपको हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम है, या फॉरेन सेटल नहीं हो पा रहे, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो आप त्रिरमवेश्वर जो नासिक में है ना, अगर यहाँ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश जो कि पेंडिंग करना की है 12 घरों के हिसाब से, अगर आप इनको लगन में रखेंगे या कुंडली में कहीं भी आपका ये पर्टिकुलर नंबर ऑफ राशि आता है, आप उस ज्योतिर्लिंग में जाएंगे या तो सावन में जैसे मैंने बताया, साल में एक बार, 3 साल में एक बार, बर्थडे एनिवर्सरी, और वो पर्टिकुलर बंदा जाए या उसकी फैमिली जाए, तो सबको आप खुद ही आपकी थॉट प्रोसेस चेंज दिखेंगे। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश सबके लिए, आई गेस आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा है ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं कुछ ऐसा शेयर करूँ जो आपको और यूट्यूब पे नहीं मिलेगा।
हो सकता है लोग इस चीज को जानते हो, पर जब मैं कुछ नया सीखती हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं आपको दूँ। और जो आजकल इतनी प्रॉब्लम है, आई रियली वॉन्ट कि सबके घरों में ये प्रॉब्लम हटे, सब एक साथ खुश रहे, ये चीजें बांटे, तो ये मेरी कोशिश सब है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।